गाइस, तो हम लोग रेडी हो गए। हम लोग मतलब बिंदी और मैं ऐसे आ गए अब नीचे। बिंदी मारे बस मेरे खाते चल रही इतनी पारी है ना, इतनी खुश होने की जरूरत नहीं, मैं अंशुल के जा रही हूं। ये लाइन काट देना नहीं तो इसमें गंदा बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरे कारण अंशुल आई, मेरे कारण यहाँ आई है तो मैं उसके कारण ही जा रही हूँ। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं, 1% नहीं, दवाई खा के जा रही हूँ। मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं यार, तेरे कारण नहीं। अब मैं हो गई कट्टी, मेरे को भूख लग गई है जी। मैंने सीट बेल्ट लगा के अपना जुर्माना बचा लिया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा लगा ना, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा थोड़ी अच्छा लग रहा। घबराहट बहुत हो रही है आज, मेरे को छोटी सी लगने लगी। कौन ये पीछे वाली छोटी सी तो है ही वो, बस मेरा मुंडा ना कट रहा हो, बस कट रहा है। अरे मैं ऐसी आई कि मैं हवा में पूरे बाल ही उड़ रहा हूं। यहां से महिलाएं हटे, दुल्हनिया आने वाली दस मिनट बाद थोड़ी दिक्कत है। जगह तो बहुत सुंदर है वाकई में, वहाँ फोटो ले लेते हैं अपने, कोलैबोरेशन के सूट पहन के आ गए हम लोग। हम लोग हमारा काम घर जगह निपटाने का। अच्छा वो मैंने एकदम ग्रीन नहीं पहना। हाँ, मेरा तो मेहंदी और हल्दी सब सेम ही हो गया मेरा तो, इनने सारे फंक्शन इकट्ठे कर लिए। ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं ना, ये घर में किया हुआ है। ये शुभा की बुआ जी का घर है और भाभी जी जो हैं इनको तो आप जानते हैं, आते से इन्होंने तहलका मचा दिया। मतलब शुभी को सुलाने तक का उन्होंने वेट नहीं किया और गाना बज रहा था, वो आते से डांस करने लगी। क्योंकि यही तो माहौल होता है ना, शादियों के माहौल को खुशनुमा क्यों बोला जाता है, इसीलिए ना, क्योंकि हम कितनी भी टेंशन में रहें, कितना कुछ भी हमारे दिमाग में चलता रहे, लेकिन उतने टाइम पर हम सबके बीच में इतना खुश होते हैं ना, सारी टेंशन को भूलकर वो जो माहौल होता है वो अलग ही होता है। मेहंदी फंक्शन है तो सभी लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, पीछे साइड आप देख रहे होंगे। बुआ जी ने और सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि बेटा थोड़ी बहुत लगवा लेना, भले ही शगुन की मेहंदी लगवाना लेकिन लगा के ही जाना, पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। अब आ चुकी है हमारी प्यारी दुल्हन और इनकी मेहंदी का तो क्या ही कहना, इतनी खूबसूरत मेहंदी इन्होंने अपने हाथों पर लगवाई है ना। जब तक मेहंदी हाथों पर लगी होती है तभी तक हम उसकी डिज़ाइन को देखते हैं, और जब वो रच जाती है तब हम सिर्फ उसके रंग को देखते हैं कि कितना गहरा रंग लेकर आई है। पहले मेहंदी सिर्फ रस्म होती थी, अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसको एक फंक्शन के तौर पे कर दिया गया है कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम मेहंदी लगा रहे हैं तो खुशी से, हम सिर्फ मेहंदी नहीं लगाते, पहले सिर्फ दूल्हा दुल्हन मेहंदी लगाते थे और बाकी जिसको लगानी होती थी वो अपने हाथों पर मेहंदी लगा लेता था, लेकिन अब इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ना कि हम भी लगाएंगे और जितनी भी वहाँ पर सुहागने होती हैं या फिर लड़कियाँ होती हैं सभी लोग मेहंदी लगवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर हम अपनी खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर देखा जाए तो मेहंदी से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसे ही मेहंदी रंग नहीं लाती है, उसको तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, तब जाकर उसका रंग खिल कर आता है। तो आप जितना संघर्ष अपने जीवन में करते हैं ना उतना ही आपका अस्तित्व महक कर आता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेहंदी तो हम चलो धो भी लेते हैं लेकिन उसकी जो खुशबू होती है ना वो हमारे हाथों में रह जाती है। तो अपने अस्तित्व को इतना महकाइए कि आप अगर उस जगह पर नहीं भी हैं ना तो इंसान आपको अच्छे से खुश होकर याद करे। तो इस मेहंदी से अगर हम सीखना चाहें तो अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी, वो रचने से पहले ही अपने रंग को तय कर लेती है कि मैं किसी के भी हाथ पर जाऊंगी रंग ज़रूर लाऊंगी। तो इतना ही आत्मविश्वास अगर हमें खुद पर होना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि हम कितना भी संघर्ष कर लेंगे, हम कुछ भी हमारी लाइफ में होता है ना अपने अस्तित्व को हम हमेशा महका कर रखेंगे। इन बच्चियों को देखकर मुझे ताशी की याद आ रही थी, अगर वो होती ना तो वो भी बहुत डांस करती, लेकिन उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए उसको लेकर हम नहीं आ सकते थे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने अपने हाथों पर बनवाई है, दूल्हा दुल्हन बनवाए हैं जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है, और मुझे इस तरीके की जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन होती है ना मेहंदी की वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे ऐसे भरे भरे हाथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अरेबियन से ज़्यादा मुझे ये जो डिज़ाइन होती है ना मारवाड़ी जो बोला जाता है जिसको, वैसी डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैं प्रमोशन का सूट पहन कर आई हूँ। शुभांगी कह रही है कि दीदी कम से कम इयररिंग तो पहन कर आते, पहले छोटे पहन लेते तो फोटोशूट में अच्छा दिखता। तो वो अपने इयररिंग मुझे पहना रही है, वो इतने ज़्यादा भारी लग रहे थे ना, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं लाइट वेट चीज़ ही पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है शुरू से। तो वो मैंने 5 मिनट बाद ही उतार दिए थे कि बस फ़ोटोशूट करवा लो। प्रमोशन के लिए ही मैं ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ, अगर ऐसे मैं अपने फैमिली फंक्शन के लिए जाती हूँ तो फिर मेरे को आदत नहीं है कुछ भी ऐसे पहन के जाने की। और मुझे हमेशा ही लोग टोकते हैं, बिंदी के लिए बिंदी भी लगा के नहीं गई थी, वो भी टोक रहे थे कि बिंदी तो कम से कम छोटी सी लगानी चाहिए थी, अच्छे लगते। अब हम लोग थोड़ा खाना वाना खाएंगे, क्योंकि मैं निकल जाऊंगी जल्दी, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है यार, बस आ गई तो बहुत अच्छा किया आप आ गए। और हम दोनों पता है सबसे पहले खाना सबसे पहले हम दोनों यार भूखे लोग खाना खाए। कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे ना। हाँ वीडियो भी अच्छी बनेगी। कोई सा दूसरा फिल्टर लगा दिया क्या इसमें, क्या ओरिजिनल नहीं लग रहा फिर क्या कि भूख भूख किसी को दही बड़ा दोनों 100 कोस दूर किसी को दही बड़ा चाल ले लिया भाई। मैं हूँ इकलौती जो सबको सर्व कर रही है। हमारी सबसे महंगी स्पेशल है। अचार मुझे चाहिए, मैं तो बोला नहीं था, तो भी खाने का मन कर रहा है। अच्छा ये मुझे आपको दिया उसने, देख तो जरा मुझे आप रोटियां दीजिए बस। इसको भिंडी चाहिए, नजर लग गई यार आपको। किसको भिंडी चाहिए? हाँ नजर लग रही है, देख तो जरा क्या किया इन लोगों ने मेरे गाल का। बिना घी की रोटी ला दो यार, डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो, दिखा दूंगी ना मैं भी, दिखा दूं क्या तुमको? अप्पू कोटे बजे दिखाओ दिखाओ क्या यार तुम्हारी क्या बातें चलती रहती। चलो चलो बाय, आप चलो ना हमारे साथ नागपुर। नहीं यार तबीयत नहीं ठीक है, चलो हम ठीक कर दें। क्या इन लोगों ने ब्लश लगाया मेरे गाल पे, पुच्ची ले लेके, ऐसी पुच्ची लेके उसको पूरा वो ब्लेंड कर दिया ब्लेंड। और हां ठीक है, मॉर्निंग में और बात करते हैं। अंशुल बाय, हां देख मेरे को नहीं लेंगे से अंशुल को नहीं मोबाइल इतना घड़ा प्रेम में। हां ये आज बहुत ज्यादा इनकी, जब अंशुल आ जाती है ना तो ये मेरे को कम प्यार करती है। वो मेरे पहले से जान जाने मन जाने जिगर जाने बहार है वो मेरी। तुम बाद में मिली थी बेटा? हाँ वही मेरी जाने बहार है, मेरा दिल पहले उसी से मिला था। ये वही इतनी प्यारी यार, सबके दिल में रहती है, सबके दिल में रहती है। अंशुल रह कहाँ गई? कहाँ रह गई यार? मन नहीं लग रहा है मेरा, घबराहट हो रही है तबीयत खराब के कारण, तो मैं जाऊंगी जल्दी से घर। चाबी गाड़ी की गुम गई, उसको बोलना लेके आएगी नीचे, उससे नहीं मिली मैं। देखो जरा क्या कर दिया इन लोगों ने, फिर भी घर से थोड़ा बाहर निकलो, चार लोगों से मिलो तो अच्छा लगता है। चलो बाय बाय, लेके आऊँ शॉल ले आइयो मेरे लिए। हाँ नहीं, शॉल ले आना, ये सब मेरे को पहन के जाना वहाँ पे। मेरे को याद नहीं था, नहीं मैं तो लेके चली आऊँ, मगर दीदी फिर मेहंदी लग जाएगी तो कैसे पहनेगी वो? ये पीछे से आपके भाई को काट देना, इसमें आपके भाई का पेट आ गया। अरे तो का पेट किसी का नहीं होता क्या? मैं थोड़ी दिखा रहा हूँ सोफिया समान। बाई बाई बन गई, बस ऐसी पहन के चले। अच्छा कान ढक लेना, उसमें टोपा भी है। दो महीना रहता है जब तो मीटिंग भी लेने आता है ना, तो भले ही मेरे पास मेरे मैं लेके निकलूं सुबह, हाँ पर वो लेके आते हैं, उनकी आदत है, वो सबके लिए स्वेटर शॉल रख के ले आते हैं, सबका ध्यान बहुत है। ये नहीं लगाऊंगी लेकिन टोपे के ये क्यों नहीं लगाऊंगी, बन जाएगा आपको, लगाओ चलो। वो हीरोइन बनेगी, कोई जरूरत नहीं, हीरोइन हूँ वो तो वो है, पर फिर भी चलो ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। दीदी जा रही हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग्स में। तो खूब सारा प्यार, खूब सारा सपोर्ट और भर भर के कमेंट सेक्शन में, कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए पतिदेव बाय बाय, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? जा रहे हो आप? दीदी को छोड़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं। चलो बाय बाय।